हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए एक और सेट पेपर, जो कि आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गई। एक और ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग वो प्रैक्टिस नहीं की हो तो ज़रूर कर लीजिए। 150 क्वेश्चन उसमें भी थी और काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन थी। आपका काफ़ी अच्छे से रिविजन्स भी हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छे टॉपिक को उठाकर यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये मिक्सडअप है। ओके, फाइनल है, फाइनल टाइप की जो होती है ना, कि जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी और करंट अफेयर्स सब आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और यूपी पीसीएस के भी, यूपी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 150 क्वेश्चन फिर से देखते हैं। और इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से ही क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करके आइएगा। ओके, और ज़रूर आप लोग देख लीजिए। आपकी पॉलिटी की भी मैं मर्ज कर दी हूँ वीडियो, जो कि नवंबर से आपकी जून से नवंबर तक की पूरी आपको पॉलिटी जो है एक ही में मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सारी वीडियो, कि आप लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज कर सको। ओके, तो और भी आपको कुछ हेल्प चाहिएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपनी खुद के आंसर दीजिएगा और फिर देखिएगा आप लोगों को कितना मार्क्स आता है। टोटल अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगी तो उसमें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर में डाउट है, तो आप लोग में से ही कोई जो है हेल्प कर दीजिएगा एक दूसरे को। ओके, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच फेस्टिवल इज़ नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट के महाकुंभ को किस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। लोसार, सागा दावा, या फिर अंबुबाची मेला, या फिर डिग्री ड्री आपकी फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल। ओके, तो यहाँ पे जो महाकुंभ आप लोगों को ही पता होना चाहिए, या फिर जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अंबुबाची मेला, जो कि आसाम में होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, द सामित्यास सब सेक्ट बिलोंग्स टू विच रीजन, ये सामित्यास जो है वो सब सेक्ट है और ये किस रीजन से बिलोंग करती है, बुद्धिस्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेकेंड की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बुद्धिस्म। बुद्धिस्म और जैनिज्म से भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश द प्राइवी पर्स, प्राइवी पर्स किसके द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पे आपका खत्म किया गया था, 24th, 25th, 26th, या फिर 42nd। तो डी की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 26th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अमंग द हिमालय, अलॉन्ग द हिमालय। तो इनमें से कौन सी ऐसी टाइप ऑफ आपकी प्लेट बाउंड्री है जो कि इंडियन प्लेट के, इंडियन प्लेट की है और ये हिमालय के साथ है। ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, या फिर कंटिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट। तो ये आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो ये प्लेट थ्योरी है आपकी, तो उसमें आप लोगों को बतानी है। तो ऑब्वियस है कि फोर के आंसर यहाँ पे डी आपकी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होगी, क्योंकि हिमालय भी आपकी एक कॉन्टिनेंट थी और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया से ये आपकी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसी से आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडिया वाली जो प्लेट है वो टूट कर यहाँ पे हिमालय से जाकर टकराई है। ओके, तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस था। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, रिसेंटली कौन सी टेक जाइंट है जो कि ये क्लेम कर रही है क्वांटम ब्रेक थ्रू, वो भी यहाँ पे आपका कुछ कंप्यूटिंग में चेंज करके, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, या फिर टेस्ला। फाइव की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गूगल। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर में, जो कि है सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसमें से आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट है कि ये हमारे सॉइल इरोजन के कारण होता है, सेकंड है कि जो डिग्री है सॉइल डिग्रेडेशन का वो यहाँ पे डिपेंड होता है कि कितना रेनफॉल हुआ और कितना विंड वेलोसिटी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नन। तो सिक्स की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेवन, जो कि यहाँ पे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ हाईएस्ट 0 से 6 एज ग्रुप पॉपुलेशन, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जिसमें कि 0 से 6 एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कानपुर, बैरियाच, या फिर महोबा, या फिर आजमगढ़। तो सेवन की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि बैरियाच। ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको 0 से 6 एज ग्रुप में आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, और हाँ, इस पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे, रिसोर्स पॉइंट के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मैं पहले की भी पीडीएफ अपलोड कर दी हूँ, इसकी भी पीडीएफ आप लोग को वहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एट नंबर क्वेश्चन में, एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट दैट परमिट्स ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड दस इन्हेंसिंग इट्स ओवरऑल फिटनेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, हेमोस्टेटिस, या फिर एस्टिवेशन, या फिर एडेप्टेशन।
तो इसकी जो हम लोग की करेक्ट आंसर है वो है बी, होम्योस्टेसिस। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म से जो कि अपने कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ट्राई करती है, वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी कि अपने बॉडी के विदिन, और सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को वो परमिट करती है कि वो अच्छे से इफिशेंसी के साथ वो प्रोसीड कर सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सी यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है जो कि ड्रैगन फ्लाई मिशंस को यहाँ पे करेक्टली डिफाइन कर रही है? फर्स्ट है कि ये नासा की मिशन है जो कि 2026 में लॉन्च की जाएगी। सेकंड है कि ये एक सर्च है लाइफ के लिए, वो भी सैटर्न मून में किया जाएगा जो कि टाइटन है। थर्ड है कि ये आपकी फर्स्ट टाइम होगी कि नासा यहाँ पे एक मल्टी रोटर जो व्हीकल है उसको फ्लाई कराएगी साइंस के लिए, वो भी आपका दूसरे प्लैनेट में। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे 9th की वो है डी, इट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ड्रैगन फ्लाई मिशन, इसमें आपका नाम ही है कि ड्रैगन जैसा फ्लाई, उड़ने वाला मिशन है ये। ये नासा की मिशन है पहले, आपको याद रखना है, वो भी इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में। और ये जो फ्लाई मिशन है ये आपका सैटर्न के मून जो टाइटन है उसमें भेजा जाएगा, और ये लाइफ को सर्च करने के लिए दी जाएगी। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई रोबोट टाइप का आपका फ्लाई मिशन जाएगा। ओके, तो इतनी सारी बात आप लोग को याद रखनी है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कोई दुआब है और यहाँ पे आपकी रिवर है, तो आपको बतानी है और इसको करेक्ट आप लोग को मैच भी करना है। सिंध सागर, रवि एन बी एस, रचना, बी एस एन सतलज, जेच, ये है रवि एन चेनाब, बीस्ट, ये है झेलम एंड चेनाब, बारी, ये है इंडस एंड झेलाम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट यहाँ पे आपको मैच करनी है। तो 10th की अगर बात करें तो ये है बी, इट मीन्स कि ए का 5, यानी कि सिंध सागर ये है आपकी दुआब जो है वो इंडस और झेलम की है। बी आपकी 3 हो गई, इट मीन्स कि जेज जो है वो रवि एंड चेनाब है। सी आपकी 4 हो गई, इट मीन्स कि आपकी, सॉरी, बी आपकी ये 3 हो गई ना, सी आपकी 4 हो गई, इट मीन्स कि जेज जो है वो आपकी झेलम और चेनाब है। और डी आपकी 2 हो गई, बिस्ट जो है वो बीज एंड सटलज है, और बारी आपकी हो गई रवि एंड बीज। ओके, तो ये बी इसकी आंसर है, ध्यान रखना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन नंबर में पढ़ते हैं जो कि 16th आसियान इंडिया समिट जो है वो कहाँ हुआ था? इंडिया, जापान, थाईलैंड या फिर फिलीपींस? तो 11th की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, थाईलैंड में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो इनफेमसली, इसको हम लोग गदर ए हिंद कहते हैं, सुजाउद्दौला, मीरान या फिर मीर जफ़र या फिर दाऊद खान, किसको हम लोग कहते हैं? तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दाऊद खान। 13th क्वेश्चन नंबर में आते हैं, इनियान रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस, स्नूकर, स्क्वैश या फिर चेस? तो 13 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, चेस। नेक्स्ट आते हैं 14, जो फेनोमेना है आपका मीन्स वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेडेशन, डिपोजिशन या फिर डायस्ट्रोफिज्म या फिर वोल्केनिज्म? तो इसकी जो करेक्ट आंसर है 14 की वो है ए, इट मीन्स की ग्रेडेशन। ओके, ये सब इन्वायरमेंट की क्वेश्चन है आपकी। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर मीर सईद अली वॉज प्रेजेंट? बाबर, हुमायूं या फिर अकबर या फिर साजा? तो 15 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इट मीन्स कि हुमायूं। 16 है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो जो करेक्ट आंसर वो है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम लोग WPI भी कहते हैं, CPI होती है और ये WPI होती है, तो WPI आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है। 17 क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका रॉक साइकिल के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो फर्स्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपका कंटिन्यूस डेनंडिएशन चेंज दिखाती है, वो भी इग्नियस रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक की देखें तो वो यहाँ पे इंटरनल चेंजेस जो होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वो भी मेल्टिंग होकर, तो उससे आपका सेडिमेंट्री रॉक है। इग्नियस रॉक की बात करें तो वो यहाँ पे हाई प्रेशर और हीट ट्रांसफॉर्म में जो है यहाँ पे आपका किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ऑनली या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड? तो 17 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। इग्नियस रॉक जो है अंडर हाई प्रेशर एंड हीट में क्या होता है कि मेटामॉर्फिक में वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। जब आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा तो इसके आंसर में जाइएगा, जब नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसमें डिटेल में आपको सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, 18 की आंसर है, 18 यहाँ पे क्वेश्चन है, द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019 रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नीति आयोग या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो 18 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 19 है कि जो डेंसिटी है पॉपुलेशन यूपी में वो कितना है? 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, 789, 447 या फिर 956? तो जो 19 की करेक्ट आंसर है वो है ए, 829।
ओके, 10th में आते हैं, जो ओनली डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर या फिर अलाहाबाद। तो 20 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ललितपुर। 22nd हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको अरेंज करनी है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडिंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है पहले कौन हुई थी, उसके बाद कौन कौन हुई थी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है। तो इसमें आपको एक के बाद एक लगानी है। तो 21 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इट मीन्स कि सबसे पहले आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, उसके बाद आपकी यहाँ पर मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। ओके, अब आते हैं 22nd। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बट नॉट प्रेसिडेंट। कौन सी ऐसी ग्रुप है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में साथ देती है लेकिन प्रेसिडेंट पे नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा जो है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में साथ नहीं देती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर, कि इनमें से कौन सी मेजर्स है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट में टेक रिकोर्स टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू कूल डाउन ईदर द डिमांड पूल एंड कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन। सेकेंड है कि एज अ सप्लाई साइड मेजर्स द गवर्नमेंट मे गो फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई एज अ शॉर्ट टर्म मेजर। थर्ड है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी कर सकती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और डी है कि नन ऑफ द अबव। तो 23 की जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ए। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेजर करने के लिए गवर्नमेंट जो है रिकोर्स कर सकती है और अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर सकती है, जिससे कि या तो डिमांड पूल डिमांड साइड आपका यहाँ पे कूल डाउन हो जाए या तो फिर आपका कॉस्ट पुल साइड जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन का कूल डाउन हो जाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट लिया जाता है। अब 24 की देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबल कम्युनिटी। ओके, और इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है करेक्ट। फर्स्ट है कि डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेकेंड है कि इट मस्ट बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पेशीज। तो इसमें से करेक्ट कौन सी है हमारी स्टेबल कम्युनिटी में, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नन। तो 24 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेबल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 25th, सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ लोकेटेड है, किस बॉर्डर में, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया पाकिस्तान। तो 25th की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इंडिया पाकिस्तान। अब इस तरीके की क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट करके नहीं आना है। ओके, अब आते हैं 26, नाभाका लेबर आपकी जो फेस्टिवल है ये आपका किस कौन से टेंपल से एसोसिएटेड है इंडिया के, मीनाक्षी टेंपल जो कि मदुराई की है, या फिर बृहदीश्वरा टेंपल जो कि तंजौर की है, सोमनाथ टेंपल गुजरात की, या फिर जगन्नाथ टेंपल पुरी की। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जगन्नाथ टेंपल पुरी। 27 है, जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर है अगर हम लोग टाइगर सेंसस 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितनी है, 117, 118, 173 या फिर 526। तो यूपी में जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 173। ओके, अब आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर में, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म या फिर एमेंसलिज्म या फिर म्यूचुअलिज्म या फिर कॉम्पिटिशन। तो 28 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी ए, इट मीन्स की कमेंसलिज्म। ओके, तो ये बायोलॉजी की बुक में आपको मिल जाएगी, तो बायोलॉजी में अगर आप लोग ये वाली चैप्टर ज़रूर पढ़े होंगे 12th क्लास की, तो उसमें आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते 29 क्वेश्चन नंबर, अब आते 29 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज और नॉट करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इफेक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का। फर्स्ट है कि ऑन क्रेडिटर एंड डेप्टर में क्या होगा कि इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेप्टर्स। एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा कि इन्फ्लेशन इंडिकेट्स डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें से करेक्ट कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो 29 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट मीन्स कि क्रेडिटर और डेप्टर में क्या होगा कि इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, वो भी क्रेडिटर से डेप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में ये आपका नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि रिसेंटली रिलीज़ करी है वेस्टलैंड एटलस 2019। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे तो क्वेश्चन बननी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ बी, इट मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो वेस्टलैंड एटलस 2019 को रिलीज़ करी है। 31st है,
द 15-मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर नन ऑफ द अबव। तो 31st की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 32 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एप्पल इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। तो 32nd की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एप्पल होती है। 33 की बात करें तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग वे द पार्ट्स ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा यहाँ पे पार्ट है, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, मडागास्कर, इंडिया या फिर अरेबिका, अरेबिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसके बाद आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5 सब गोंडवाना लैंड के, यहाँ पे साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, मडागास्कर, इंडिया और अरेबिया सब आपके सदर्न रीजन की है, तो सदर्न में यहाँ पे आपका गोंडवाना है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट 34, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्लोबल फोरम ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 34 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, FAO। ओके द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि प्रोपाउंडर थे न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी के, कनंत, पतंजलि, गौतम या फिर कपिल। 35 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स की गौतम। 36 में आते हैं, अ सिचुएशन वेयर वेजेस प्रेयर्स प्राइसेस अप एंड प्राइसेस पुल वेजेस अप इज नोन एज, एक सिचुएशन है जहाँ पे आपकी वेज जो है उसकी प्राइस बढ़ जा रही है और प्राइस जो है ना यहाँ पे वेजेस को और ज़्यादा बढ़ा रही है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन इन स्पायरल, कोर इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ए, इन्फ्लेशन स्पायरल। ओके नेक्स्ट है, इसमें से आपको बताने की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये फर्स्ट स्टेप है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी ना उसको कंट्रोल करना है, उसके अफेयर्स को रेगुलेट करनी है। सेकंड है कि यहाँ पे आपका इसको रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम, और जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कंपनी का वो देखा जा रहा था। थर्ड है कि यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी में, और डी है कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो 37 की अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो वो है यहाँ पे सी, इट मीन्स कि यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी कंपनी की थी उसको यहाँ पे अलग नहीं किया गया था। ओके अब आते हैं 38 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग चिपकू मूवमेंट। तो चिपकू मूवमेंट से कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, अमृता देवी जो है वो चिपकू मूवमेंट को वो स्टार्ट की थी जिसमें कि वो अपने ट्रीज को बचाने के लिए और वो यहाँ पे ट्री को हक कर ली थी जिससे कि वो यहाँ पे काटने नहीं दे रही थी। सेकंड है कि सुंदर लाल बहुगुना जो है ये बिश्नोई मूवमेंट को राजस्थान में लीड कर रहे थे। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका इंटरचेंज कर दिया गया है, चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बाहुगुना के द्वारा और ये जो बिश्नोई मूवमेंट है वो अमृता देवी के द्वारा राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। ओके जो फुल या इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग PDF में ज़रूर देख लीजिएगा। 39th में आते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए बारे में यहाँ पे तो करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बॉर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है अगर हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में देखें, और ये एक इमर्जेंट कोस्ट की यहाँ पे एग्जांपल भी है। सेकंड है कि ये वेल डेवलप्ड आपकी डेल्टाज है जो कि रिवर के द्वारा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था जो कि ईस्ट वार्ड फ्लो करती है वो भी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। 39 की करेक्ट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे सी है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 40 में आते, वेयर इज डानाकिल डिप्रेशन लोकेटेड, तो ये कहाँ है, इथोपिया, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड या फिर चिले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, इथोपिया। ओके नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको मैच करनी है फॉरेस्ट है और लोकेशन है, ट्रॉपिकल डेसियस फॉरेस्ट कहाँ है, यहाँ पे यूपी दिया गया है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, तमिलनाडु, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, ईस्टर्न हिमालय। तो इसको आपको करेक्टली मैच करनी है। ओके तो यहाँ पे आपको बतानी है, तो मैं बता दी 41 की यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर है ए, इट मीन्स कि ए की 1 है, बी की 3 है और सी की 2 है। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यूपी में ही मिलेगी, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न हिमालय में है और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो तमिलनाडु में है। ओके तो इस तरीके से मैच करनी है। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, जो कि एस्पायर प्रोमोटिंग इनोवेशंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो 42nd की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है, गोल्ड, मीका, सिल्वर या फिर ग्रेफाइट। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ये आपके सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है, मीका। ओके, अब आते हैं 44th क्वेश्चन नंबर में। ये है पुष्करम फेस्टिवल, इसके बारे में आपको करेक्ट बतानी है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे आपका साउथ इंडिया के रिवर्स के ही सिर्फ आपका यहाँ पे किनारे में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड है कि माना पुष्करम जो है वो यहाँ पे अकर्स हुए थे 500 ईयर्स में। ओके, तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नन। 44 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब आते हैं 45 जो कि है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक इनके द्वारा आपका नहीं, कहाँ पे ये फाउंडेड किया गया था, बॉम्बे, वाराणसी, अद्यार या फिर नन ऑफ द अबव। तो 45 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। ओके, इसकी डिटेल आप लोग आंसर शीट में ज़रूर देख लीजिएगा। 46 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। ये है अदरेंस टू नॉन अलाइनमेंट, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या फिर नन ऑफ द अबव। सो 46 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, सॉरी नन ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स कि DPSP की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे कैसे हुई, तो हम लोग अधेरेंस किए नॉन अलाइनमेंट के साथ, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट भी है और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फॉर्मेशन भी किए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट है कि एक रिवर जो है वो यहाँ पे ड्रेन करती है, वाटर कलेक्ट किया जाता है आपका स्पेसिफिक एरिया से जिसको कि हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। सेकेंड है कि एन एरिया ड्रेन बाई ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इसको हम लोग रिवर बसिन भी कहते हैं। थर्ड है कि जो बाउंड्री लाइन है वो यहाँ पे एक ड्रेनेज बसिन को अलग कर रही है दूसरे से, तो इसको हम लोग वाटर शेड कहते हैं। फोर्थ है कि जो कैचमेंट है आपका लार्ज रिवर का, इसको हम लोग ड्रेनेज बसिन कहते हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है 47 की वो है बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी 1 एंड 3 आपके यहाँ पे करेक्ट है, बी जो है इसमें 1 एंड 3 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 48। यहाँ पे है प्लान बी। प्लान बी जो आपका लॉन्च किया गया था ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन रेलवे, वर्ल्ड वाइड फंड, यूनाइटेड नेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो 48 की करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंडियन रेलवे। ओके, प्लान बी ये आपको याद रखनी है, डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये है क्या। 49 की बात करूँ, जो टर्म है पैटिनम, ये आपका मिडाइवल इंडिया में यूज़ होता था, तो ये किसके लिए यूज़ होता था, मर्चेंट्स, पोर्ट्स, ट्रेड सेंटर या फिर आर्मी कैंप। तो 49 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी बी, पोर्ट्स के लिए। ओके, पैटिनम, तो ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 50। इसमें आपको बतानी है, विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो सीरीज टर्म है ये रेफर किया जाता है किसको। तो जो इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ होती है जो कि सक्सेसिवली ये अपने गिवन एरिया में चेंज होती है उसको कहते हैं, या फिर स्टेबल कम्युनिटी होती है नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, और थर्ड है कि स्पेसिस जो कि यहाँ पे बेयर एरिया में इन्वेट होती है, या फिर यहाँ पे प्लांट स्पेसिस जो कि अडेप्ट कर लेती है अपने सर्वाइव करने के लिए वो भी ड्राई कंडीशन में। तो सीरीज हम लोग किसको कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो सीरीज होती है वो है ए। इट मीन्स कि इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि सक्सेसिवली चेंजेस है उस एरिया में, गिवन एरिया में। ओके, 51 की बात करते हैं, इन इंडिया जो कल्टिवेशन है कॉफ़ी का वो इंट्रोड्यूस होता है सर्वे हिल में, या फिर आपका यहाँ पे सेवरॉय हिल में, या फिर बाबा बुडान हिल में, या फिर कार्डमम हिल में, या फिर नीलगिरी हिल में। तो 51 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बाबा बुडान हिल्स। 52 की बात करें, तो इनमें से कौन सी फॉलोइंग अथॉरिटी है जो कि ऐड कर रही है न्यू टेरिटरी इंडिया में, और कौन ऐड कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर यूनियन कैबिनेट। तो 52 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही है जो कि यहाँ पर न्यू टेरिटरी को इंडिया में ऐड कर सकती है। 53 की बात करते हैं, मॉडल लैंड लीजिंग लॉ ये 2016 में प्रपोज किया गया, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 53 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नीति आयोग। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड बैंक। तो 54 की करेक्ट ऑप्शन देखें तो ये है बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, नेक्स्ट आते हैं 55। अ ग्राफिक कर्व विच एडवोकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ग्राफ शो करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस कर्व, कुडसन कर्व, फिलिप्स कर्व या फिर नन ऑफ द अबव। तो 55 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फिलिप्स कर्व। ओके, नेक्स्ट आते हैं 56।
हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली वेन विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड. सो विजयनगर एम्पायर जब फाउंड हुआ था तो उस समय सुल्तान कौन थे दिल्ली के, सिकंदर लोदी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक. सो 56 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मोहम्मद बिन तुगलक. नेक्स्ट आते हैं 57. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, 44th, 42nd, 91st या फिर 86. तो 57 की करेक्ट आंसर है 42nd. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. उसके बाद आते हैं 58. व्हाट इज़ डेल लैम्डक सेशन. सो लैम्डक सेशन किसको कहते हैं, एक लास्ट सेशन होता है जो कि लोकसभा जो एग्जिस्ट कर रही है, जब न्यू लोकसभा बनने वाली होती है तो उससे पहले जो लोकसभा एग्जिस्ट करती है उसके लास्ट सेशन को लैम्डक सेशन कहते हैं, या फिर लास्ट सेशन जो कि एग्जिस्ट कर रही है राज्यसभा की, इसके बाद जो है न्यू राज्यसभा में न्यू मेंबर इलेक्ट होने वाले, या फिर पार्लियामेंट्री सेशन जहाँ पर कोई भी बिल पास नहीं हुआ, या फिर नन ऑफ द अबव. सो 58 की जो करेक्ट आंसर है वो है ई, यानी कि जो लोकसभा नया बनने वाली होती है उससे पहले वाली जो लोकसभा होती है उसकी जो लास्ट आपकी सेशन होती है उसको लैम्डक सेशन कहते हैं. ओके अब आते हैं 59 में. यहाँ पे आपको बतानी है करेक्ट आंसर कौन है और जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. जो मेन लैंड है आपका इंडिया का वो कश्मीर नॉर्थ में से एक्सटेंड होकर कन्याकुमारी साउथ तक है और आसाम ईस्ट से लेकर गुजरात वेस्ट तक है. सेकंड देखिए जो टेरिटोरियल लिमिट है वो यहाँ पे आपका सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो है कोस्ट से वो यहाँ पे एक्सटेंड है. तो करेक्ट कौन सी है ये आपको बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली या फिर बोथ या फिर नन. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि गुजरात तो आपका वेस्ट में है ही लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है. ओके नेक्स्ट आते हैं 60. आइस डैश है ये आपका किससे रिलेटेड है, आइस मॉनिटरिंग डिवाइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्लाइमेट ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल या फिर नन ऑफ द अबव. सो 60 की करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आइस डैश. ओके नेक्स्ट आते हैं 61. 61st में आपको बतानी है कि इसमें आपका कौन सा फॉलोइंग, इसके लिए आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि आपका स्पेशल कंडीशन में होती है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट आपकी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, मेनली ये आपकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में होती है. तो इस ये किस आइटम के बारे में बात किया जा रहा है, कॉफ़ी, रबर, जूट या फिर टोबैको. तो आई होप कि आप लोग गेस किए होंगे. सो इट्स करेक्ट, दैट इज़ रबर. ओके 61 की जो करेक्ट आंसर है वो है रबर, बी. अब आते हैं 62nd. 62nd में है राम जानकी मार्ग, इसको क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे 27A, नेशनल हाईवे 27A या फिर रामायण सर्किट या फिर नेशनल हाईवे 28. 62 की करेक्ट आंसर है ए, नेशनल हाईवे 227A को हम लोग राम जानकी मार्ग कहते हैं. 63 में आते हैं आलमगीर नामा, ये किसकी बायोग्राफी है, सलीम, कुरम, जलाउद्दीन या फिर नन ऑफ द अबव. 63 की करेक्ट आंसर है डी, यानी कि नन ऑफ द अबव. ओके 64th में आते हैं, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बतानी है वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो कि हमारे इंडिया में होती है. तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि सारे डाउट्स और जो डिस्प्यूट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड इलेक्शन से जो रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पे इंक्वायरी किया जाता है और डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. सेकेंड स्टेटमेंट है कि अमेंडमेंट जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2016 में किया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो अब क्वालिफाइड हो सकते हैं कि उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है. तो इसमें से आपको गलत बतानी है कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन. तो ऑब्वियस है कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे आपकी आंसर हो गई सी. ओके अब आते हैं नेक्स्ट 65. इसमें आपको बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया से रिलेटेड. तो फर्स्ट है कि इस टाइप की जो फॉरेस्ट होती है ये मेनली सतपुरा और माइकल रेंजेस में पाई जाती है. सेकेंड है कि जो टेम्परेट आपकी फॉरेस्ट है पलानी हिल्स का, उसको हम लोग शोलास कहते हैं. थर्ड है कि जो अल्पाइन वेजिटेशन है वो हायर रीजन में पाई जाती है, वहीं अगर टेम्परेट वेजिटेशन की बात करें तो वो वेस्टर्न घाट की लोअर रीजन में पाई जाती है. तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो यहाँ पे आपकी 65 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ओके अब आते हैं 66 की, जो कि यहाँ पे आपको बतानी है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ये जो स्कीम है ये टारगेट की हुई है कि इम्प्लॉयज अर्निंग वेजेस जिसकी कि 15,000 पर मंथ से कम है उनको यहाँ पे इस योजना के तहत बेनिफिट दिया जाएगा. सेकेंड है कि ये आपके 2016 में लॉन्च की गई थी. आपको इसमें करेक्ट बतानी है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर. तो 66 की करेक्ट आंसर देखें तो ये सी है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 9 में क्या है, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट,
यूनियन टेरिटरीज या फिर पंचायत। सो 67 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी पंचायत। नेक्स्ट आते हैं अर्थक्वैक वेव से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट ये बतानी है। ऑल द नेचुरल अर्थक्वैक जो है वो आपके एस्थेनोस्फेयर में होती है। बॉडी वेव्स जो है वो फास्टर है सरफेस वेव से और सरफेस में सबसे पहले अराइव होती है, फिर ये मोर डैमेजिंग होती है सरफेस वेव के कंपैरिजन में। एस वेव प्रोपेगेशन जो है वो रिवील करती है आउटर कोर ऑफ अर्थ जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, इसमें आपको बतानी है कि इनकरेक्ट कौन है। फोर स्टेटमेंट भी है कि पी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में प्रोपेगेट होती है, वहीं अगर एस वेव की बात करें तो ट्रांसवर्सली, इसमें आपको इनकरेक्ट बतानी है। थर्ड ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। सो 68 की अगर यहाँ पे बात करें तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है। ऑल नेचुरल जो अर्थक्वेक है वो एस्थेनोस्फेयर में होती है, ये आपकी गलत है। उसके बाद बॉडी वेव्स जो है वो यहाँ पे फास्टर देन सरफेस वेव है, और ये बॉडी वेव जो है सरफेस में सबसे पहले पहुँचती है और ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है सरफेस वेव से। ओके तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 69 में। 69 है कि कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि आपकी करेक्ट है इकोटोन से रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि ये एक आपकी ट्रांजिशनल जोन है जो कि दो और दो से ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम में होती है। सेकंड है कि ये ऑफन इसमें कुछ स्पेसिस कंटेन होती है जो कि आपके एडजेसेंट इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती है। थर्ड है कि ये जो है आपकी ब्रॉड बेल्ट के साथ ही एग्जिस्ट करती है और एक स्मॉल पॉकेट में। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट ऑली, फर्स्ट एंड थर्ड ऑली, थर्ड ऑली और फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो 69 की करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन की तो ये है डी। इट मीन्स कि तीनों ऑप्शंस यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 70 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डायरेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर्स इन मौर्यन एम्पायर। सनिधाता या फिर पयाध्यास्का या फिर पटुवाध्यास्का या फिर सुराध्यास्का। तो 70 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी पटुवाध्यास्का। इसकी डिटेल आप लोग आंसर में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि डिटेल बताने बैठूंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग की टाइम चले जाएगी। तो मैं यहाँ पे बस आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। डिटेल अगर जिसको पता है तो सही है, नहीं पता है तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके 71 की बात करते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड है और लोकेशन है, आपको यहाँ पे करेक्ट मैच करनी है। पेरिस साउथ अमेरिका, स्टेपी ऑस्ट्रेलिया, पैम्पस नॉर्थ अमेरिका या फिर रेंज लैंड, या आपकी है रशिया। तो इसमें आपको करेक्ट यहाँ पे आपकी मैचिंग करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ 71 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इट मीन्स कि ए है जो पेरिस है वो नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो स्टेपी है वो रशिया में है, उसके बाद आपकी यहाँ पे आती है पैम्पस जो है वो साउथ अमेरिका में है, और रेंज लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके तो इस तरीके से इसकी करेक्ट मैचिंग हो गई। नेक्स्ट आते हैं 72, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें राज्यसभा में, तो ये आपके किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, या फिर दोनों हाउसेस के मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर के, या फिर मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, या फिर नन ऑफ द अवर। तो जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में वो किनके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। तो 72 की जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ए। इट मीन्स कि इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि आपकी करेक्ट है सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो रेड लैटर सॉइल है और काफ़ी थिक होती है। जो हाई रेट ऑफ लीचिंग है वो यहाँ पे इन सारे सॉइल को ना वल्नरेबल बना देती है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नन। 73 की बात करें तो यहाँ पर सी है। इट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन या फिर ऑयल सीड प्रोडक्शन। सो 74 की करेक्ट आंसर है फिश। जहाँ भी ब्लू आती है वो आपकी फिश से रिलेटेड हो जाती है, ओशन से रिलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं नरकरा वेटलैंड, ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। सो 75 की करेक्ट आंसर है डी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सी फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, नीलगिरी, अगस्त्यमाला या फिर सीचालम। तो बोथ एंड ए एंड बी। तो 76 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इट मींस कि नीलगिरी। ओके 77 में आते हैं कि नास्ता लीक किसको कहते हैं। ये एक तरीके का फॉर्म है आपका रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मुगल कोर्ट। उसके बाद आपका सेकंड है कि एक तरीके का टैक्स है जो कि यहाँ पे हिंदूज़ के द्वारा मुगल पीरियड में पे किया जाता था। थर्ड है कि ये एक तरीके का स्टाइल ऑफ डोम मेकिंग है जो कि मुगल पीरियड में होती थी। नेक्स्ट है कि कैलीग्राफिक स्टाइल है जो कि लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स में लिखी जाती थी। 77 की जो करेक्ट आंसर वो है डी, नास्ता लिख हम लोग कैलीग्राफिक स्टाइल को कहते हैं जो कि लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है 78, जो डेफिनेशन है स्टेट का आर्टिकल 12 में, उसमें आपका कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ इच स्टेट, LIC, ONGC या फिर ऑल ऑफ द अवर।
तो ऑब्वियस है इसकी करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सबको यहाँ पे स्टेट कहा गया है आर्टिकल 12 के तहत। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जीएनपी। तो जीएनपी के कंटेक्स्ट कंसेप्ट में यहाँ पे क्या यूज़ होता है, ये एक नेशनल इनकम है अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू विच आईएमएफ जो है नेशन वर्ल्ड में जितने भी नेशन है उनको रैंक करती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किस में, तो पीपीपी में। उसके बाद ये एक मोर एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का जीडीपी से, और ये इंडिकेट करती है वो भी क्वांटिटेटिव में साथ ही साथ क्वालिटेटिव आस्पेक्ट जो कि इकॉनमी में है। ये हमें अनेबल करती है कि हम लोग सेवरल फैक्ट को यहाँ पे सीखें जो भी हमारी बिहेवियर और बिहेवियर में प्रोडक्शन हो रहा है और पैटर्न ऑफ हमारी इकॉनमी है। साथ ही साथ ये ऑल ऑफ द अबव है। तो 79 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। ये सब हमारे जीएनपी में आती है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अंदर। ओके नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, यूनाइटेड नेशन, WHO, IMF या फिर नन ऑफ द अबव। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इसकी करेक्ट आंसर है ए यूनाइटेड नेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है सी वीड्स की। तो यहाँ पे पहला है कि सी वीड्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक आपकी एल्गी है जिसमें कि लीफ लाइक प्रोपेगेंड अपेंडेजेस है। उसके बाद ये आपका यूज़ होता है एज ए ड्रग्स वो भी गाइटेड ट्रीटमेंट के लिए। सी वीड्स की बात करें तो बायोडिग्रेशन जो सी वीड्स का है वो यहाँ पे मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती है। फोर्थ है कि सी वीड्स जो है वो पोटेंशियल इंडिकेटर जैसा यूज़ होता है पॉल्यूशन का, वो भी कोस्टल इकोसिस्टम है। तो करेक्ट बतानी 1 एंड 4, 2nd एंड 4, 1 एंड 3rd, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 81 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इट मीन्स कि चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपके सी वीड्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको 82nd में है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किस स्टेट में यहाँ पे पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड या फिर गुजरात। फर्स्ट ऑनली, 2nd, 3rd और 4th है, 2nd, 3rd या फिर 1st एंड 3rd। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 82 की वो है आपकी बी। इट मीन्स कि त्रिपुरा से पार होती है झारखंड से और गुजरात से। ओके मणिपुर से नहीं, वो आपकी मिजोरम से पास होती है। ओके 83 देखते हैं कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी की, लैंड सरप्लस, लैंड सरप्लस इकॉनमी, लेबर सरप्लस इकॉनमी, लैंड स्कार्स तो लेबर सरप्लस इकॉनमी, लैंड सरप्लस है तो लेबर स्कार्स इकॉनमी या फिर लैंड स्कार और लेबर स्कार इकॉनमी। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए इंडियन इकॉनमी का, तो 83 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि हमारे यहाँ लैंड की कमी है लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है। इब्न बतूता की बात करें इंडिया में तो वो किसके शासनकाल में आए थे, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी या फिर सैयद डायनेस्टी। तो 84 की करेक्ट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। ओके नेक्स्ट 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे आपके एक्वेटिक हैबिटेट के प्रोडक्टिविटी को लिमिट करती है, प्रेसिपिटेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 85th की करेक्ट आंसर है सी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके 86 में आते हैं, इसमें है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जो कि रिसेंटली रिसीव की है एक्सीलेंस टैग, वो भी प्रोडक्शंस जैसे कि कारपेट एंड अदर फ्लोर कवरिंग, और वो भी आपका रिसीव किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। तो बादोही, मिर्ज़ापुर या फिर सोनभद्रा या फिर लक्ष्मीपुर खेरी। तो 86 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी ए बादोही। अब बादोही को यहाँ पर एक्सीलेंस का टैग दिया गया है। अब आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में, इसमें बताना कि कौन सी करेक्ट है। यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि ये इसमें आपका नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर थे प्रोविंशियल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इंक्रीज़ हुआ था। यहाँ पे आपका एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे आपके सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो डिप्रेस क्लास के लिए लाया गया था, और इसमें से नन ऑफ द अबव। सो 87 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो है दोनों प्रोविंशियल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया गया था। 88 में आते हैं, इफ़ दो स्पीसीज जो है वो कॉम्पीट करी है सेम रिसोर्सेज के लिए और वो यहाँ पे दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरगेगिंग फॉरेगिंग पैटर्न, तो इसको क्या कहते हैं, हेम्योस्टेटिस, कन्फर्म या फिर रिसोर्स पार्टनिंग या फिर सस्पेंड। सो 88 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रिसोर्स पार्टनिंग। ओके 89 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट सोर्स फॉर स्टडिंग अर्थ्स इंटीरियर, कौन सी नहीं है, ग्रेविटेशन, सिस्मिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 89 की जो करेक्ट आंसर है वो सी, इट मीन्स कि वोल्केनिक इरप्शन। ओके नेक्स्ट आते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, जिसमें आपको करेक्ट बतानी है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और ये यहाँ पे सेटअप किया गया था नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ऑनली, सेकेंड ऑनली, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके अब आते हैं 91 क्वेश्चन नंबर में, जो जुरिस्डिक्शंस है तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेट इज़ अंडर द पर्व्यू ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कितने यहाँ पे स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, 2, 3, 4, 5। तो 91 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स की 4,
फोर स्टेट की है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में करेक्ट बतानी है। पहला है कि यहाँ पे इंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू जो है बायोडाइवर्सिटी जो है हर एक लेवल में प्रोटेक्ट होती है, वो भी इन सीटू कंजर्वेशन में। नेक्स्ट सेकंड है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो डिज़ायरेबल है तभी जब यहाँ पे आपका एनिमल और प्लांट जो है इंडेंजर्ड है और थ्रेटेंड है, और यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग कुछ मेजर्स लें जिसके थ्रू हम लोग इनके एक्सटेंशन से इसको सेव कर सकें। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है कि कौन सी है। तो 92 की जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बोथ, यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब आते हैं 93। इनमें से कौन सी फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ है जो कि तत्वबोधि सभा में पाई गई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? सो 93 की करेक्ट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आते हैं 94। इन विच टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरैक्शन वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर बेनिफिट? तो ये फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये फर्स्ट पेपर में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म या फिर एमेंसलिज्म या फिर सिम्बॉयसिस? ओके, तो 94 की जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पैरासाइटिस, जिसमें कि एक स्पेसिस आपकी बेनिफिट होती है और दूसरी जो है हार्म हो जाती है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ये आपको बायोलॉजी 12th बायोलॉजी के आपके बुक में मिल जाएगी। 95 है कि जो बैटल ऑफ खानवा है वो बाबर और राणा संघा के बीच में लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था? 1525, 1526, 1527, 1528। सो 95 की करेक्ट आंसर है सी, 1527। अब आते हैं 96 क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पे कि जो मैंडमस की रीट है वो इशू नहीं किया जा सकता किसके अगेंस्ट में? प्राइवेट इंडिविजुअल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब के अगेंस्ट पे यहाँ पे आपका मैंडमस नहीं आपका पब्लिश किया जा सकता। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 97 है, हिमालय के बारे में थ्री स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि जो जनरल ओरिएंटेशन है इस रेंजेस का, ये आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। सेकंड है कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में आप देखोगे तो ये रेंजेस जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे तो साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात करें तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड। सो 97 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट मीन्स की फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 98 में आते विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे सर्विस प्राइस इंडेक्स जो है इसको क्रिएट करने में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर RBI? सो 98 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 99 में आते हैं, इसमें आपको बतानी है कि आपकी करेक्ट कौन सी है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये आपका मेजर से ऑक्सीजन का जो कि इक्विवेलेंट है कि जितनी ऑक्सीडेशन ज़रूरत है टोटल ऑर्गेनिक मैटर का जो भी हमारे वाटर में प्रेजेंट है। सेकेंड है कि जो हायर वैल्यू है POD की वो यहाँ पर इंडिकेट करती है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है हमारे वाटर में। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें COD और BOD अलग होती है, तो COD जो है ये आपका बेटर होता है जिसके थ्रू हम लोग पोल्यूशन को यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं कि वाटर में कितना पोल्यूशन से BOD के कंपैरिजन में। अब आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो 99 की करेक्ट आंसर है बी, इट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, तो जो हायर वैल्यू है BOD तो बायोकेमिकल, तो इससे पता होना चाहिए कि हमारे जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये कम है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 100। तो इसमें आपको कॉफर डैम के बारे में बताना है। तो कॉफर डैम जो है ये टिपिकली एक कन्वेंशनल इम्बार्कमेंट डैम है जो अर्थ और रॉक फिल में दोनों में है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली डिसमेंटल्ड की गई है आफ्टर जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुई थी। तो करेक्ट बतानी है फर्स्ट, सेकंड, बोथ या फिर नीदर? तो 100 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स की बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपकी माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो इनकरेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन माइनॉरिटीज़ ऑफ 1992 के बाद। फिर इसमें सेकंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया है 1993 में। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन? 101 की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी है, दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 102। हु कम टू इंडिया इन 1800 एज अ वॉच मेकर बट अपनी इंटायर लाइफ को जो है वो यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन में प्रमोट करने में ही बिता दिए? विवियन डेरोजिया, विलियम जॉन्स, डेविड हैरे या फिर विलियम कैरी? सो 102 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डेविड हैरे। ओके, अब आते 103 क्वेश्चन नंबर में जो कि आपकी DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन आपको ये बतानी है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको ऐड नहीं किया गया था। फर्स्ट है कि हमें टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। सेकेंड है कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है और फ्री लीगल एड जो है पुअर लोग को प्रोवाइड करनी है। डी सी है यहाँ पे,
कि कुछ यहाँ पे स्टेप्स लेना है जिसके थ्रू हम लोग जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का उसको सिक्योर करना है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में। डी है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है जिसके थ्रू हम लोग वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। तो 103 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए को यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड नहीं किया गया था, ये पहले से ही थी, उसके बाद आपका ये तीनों जो स्टेटमेंट है इसको ऐड किया गया था। ओके अब आते हैं 104 में। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है डज़ नॉट कम अंडर रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट के अंदर कौन सी नहीं आती है? अर्थ फ्लो, मड फ्लो, सॉलिड फ्लक्शंस या फिर डेब्रिस एवलांचेस। सो 104 की करेक्ट आंसर है सी, सॉलिड फ्लक्शन। ओके अब आते हैं नेक्स्ट बुलबुल। ये क्या है? ये टोर्नेडो है, साइक्लोन है, हरिकेन है या फिर सुनामी है। तो 105 की ऑब्वियस है कि ये साइक्लोन थी बुलबुल। ओके अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुआ था? 16th of October 1905, 7 August 1905, 20 July 1905 या फिर नन ऑफ द अबव। सो 106 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 16 October 1905। 107 है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला है कि प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रही है, या और सेकंड है कि हमारी रेसिस्टेंस जो है इन्वायरमेंटल परटर्बेशंस में वो इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, बोथ या फिर नन। 107 की जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। ओके 108 में आते हैं। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि इनकरेक्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर? पहला है कि जो पिटिशनर है मर्सी के, उनके पास कोई राइट नहीं है कि ओरल हियरिंग किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकेंड है कि आपका प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है जब यूनियन कैबिनेट एडवाइस करती है। थर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे रीजंस देने के लिए बाउंड है, जो भी अपने ऑर्डर देते हैं कि उनको रीज़न भी देना है। फोर्थ है इसमें से नन ऑफ द अवव। सो इनकरेक्ट बतानी है, यानी कि आपको गलत यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो गलत यहाँ पे सी है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो अपनी ऑर्डर देते हैं उसमें रीज़न बताने के लिए वो बाउंड नहीं है। ओके 109 में आते हैं करेवा फॉर्मेशन से रिलेटेड, आपको इनकरेक्ट बतानी है। ये आपका थिक डिपॉजिट है ग्लेशियर क्ले और दूसरे मटेरियल का, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मैपल ट्री के कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी है 109 में। तो फर्स्ट, सेकंड, बोथ या फिर नन। तो इनकरेक्ट जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी, क्योंकि कारेवा फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो पहली है लेकिन दूसरी यहाँ पे आपकी गलत है। ओके 110 में आते जो फॉलोइंग है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैड सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो यहाँ पे किस में हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है यहाँ पे बनाई है? फॉर्मेशन करना यानी कि लार्जेस्ट एवर ह्यूमन इमेज ऑफ ए क्रोमोसोम, या फिर सक्सेसफुली असेंबल्ड रेडियो किट्स फ्रॉम स्क्रैचेस, या फिर आपके स्पेक्ट्रोस्कोप जो कि 45 मिनट में बनाना, या फिर ऑल ऑफ द अवव। सो 110 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि सारी चीज़ के लिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। ओके 111 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल। सो 111 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आते हैं 112। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग विजयाना बुद्धिस्म इन टिबेट अराउंड द 8th century CE। सेकेंड है कि वो मिशनरी मॉन्क थे जिनको कि नालंदा से भेजा गया था और कन्वर्ट किया गया था तिबेतन से बुद्धिज्म में 8th century में। थर्ड है कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड बुद्धा। तो ये किन के बारे में बात किया जा रहा है? पद्मभासा या फिर संता रक्षिता, शक्या श्री भद्रा या फिर दानाशीला। सो 112 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पद्मभस्मा। ओके अब आगे नेक्स्ट देखते 113 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में किन किन को यहाँ पे आपका डिक्लेयर किया गया है, इसमें से आपको बतानी है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन या फिर सुंडालैंड। 1, 3, 2, 2nd, 1, 2nd, 3rd और ये है 3rd and 5th, 1, 4th and 1, 3rd, 4th, 5th। ओके सो 113 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी डी, इट मीन्स की 1, 3rd, 4th, 5th। यहाँ पे आपकी वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, इंडो बुर्मा है और सुंडालैंड है। ओके ईस्टर्न घाट हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं इंक्लूड है। अब आते हैं यूपी स्पेशल। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि 10 लाख से भी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है? 13, 14, 10 या फिर 12। तो यहाँ पे जो 114 की करेक्ट आंसर है वो है डी, इट मीन्स की 12। 115 में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन जो कि इंडिया में हो रही है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बतानी है, यानी कि बढ़ से घटते क्रम में बतानी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। सो 115 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपकी होती है वो होती है केरल में, फिर उसके बाद आपकी तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। ओके नेक्स्ट आते हैं 116। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर जो न्यू सिटी बिल्ड किए थे दीनपना एट दिल्ली,
तो कौन से थे, सलीम, हुमायूं, अकबर सेकंड या फिर आलमगीर सेकंड। सो 116 की करेक्ट आंसर है हुमायूं। हुमायूं है जो कि यहाँ पे मुगल एम्पायर में थे, जो कि न्यू सिटी दिनपना एट दिल्ली में उन्होंने सेटअप किया था। 117 है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की फंक्शन के बारे में करेक्ट है। फर्स्ट है कि ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि कोई भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन हुआ तो। सेकंड है कि जो सैलरी और अलाउंस है मिनिस्टर का वो यहाँ पे इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। थर्ड है कि ये एलोकेट करते हैं फंड वो भी हर एक मिनिस्ट्री को। फोर्थ है कि ऑल ऑफ द अबव। सो आपको करेक्ट ही बतानी है कि इनके फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो इनकी फंक्शन है वो ये है कि ए, ओके, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अगर कोई भी इनके मिनिस्टर्स की ओपिनियन अगर डिसमिस हो जाए, डिसमैच हो जाए और डिफरेंट हो जाए तो ये उसको डिसमिस कर सकते हैं। 118 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि जो आपकी न्यूट्रिएंट की जो एब्सेंस होती है वाटर में वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी एल्गल ब्लूम के लिए। यूट्रोफिकेशन जो है वो रेफर किया जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक एजिंग ऑफ ए लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। थर्ड है कि जो प्लांट ऑफ वाटर है हाइनियासिथ, ये आपका एक इम्बैलेंस है जो कि एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलती है। तो 118 में अगर हम लोग बोले तो वन एंड सेकंड, वन एंड थर्ड, थर्ड ओनली या फिर सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो 118 की करेक्ट आंसर इज सी, इट मींस कि सेकंड स्टेटमेंट पे यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। 119 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन यूपी। श्रावस्ती, बलरामपुर, बदौन या फिर लखनऊ, सबसे कम कहाँ है, तो ये है आपकी ए, श्रावस्ती। 120 की बात करें तो जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी ए, इसका एम है कि अचीव करना है, तो कौन सी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे 6R है जिसको कि प्रमोट किया जाएगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, रीडिज़ाइन और रीमैन्युफैक्चर। सेकंड है कि यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा स्टील सेक्टर में। थर्ड है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी फेरस स्क्रैप को प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी यहाँ पे क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन में, और यहाँ पे डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के ऊपर है उसको मिनिमाइज़ की जाएगी, और डी है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। सो 120 की जो करेक्ट आंसर है वो ए है कि यहाँ पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की एम जो है अचीव करना है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि है 6R। ओके, अब आते हैं 121 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे आपको बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रेजेंट इन बैटल ऑफ बक्सर 1764। हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दीन डौला या फिर नन ऑफ द अबव। सो 121 की करेक्ट आंसर है ए, हेक्टर मुनरो। 122 में चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, सी रंगराजन कमेटी, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, चक्रवर्ती कमेटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तारापोर कमेटी जो कि है पॉवर्टी से रिलेटेड। तो इसको आपको कमेटी और यहाँ पे आपका जो लिस्ट सेकंड है उसको यहाँ पे आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। तो 102 की करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, इट मींस कि यहाँ पे आपकी जो सी रंगराजन थी वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपकी चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी से, तारापोर कमेटी आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। ओके, नेक्स्ट आते ट्रीटी ऑफ यानडोबो। तो ये आपका साइन किया गया था किसके बाद, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, और ये फर्स्ट एंग्लो बुर्मा वॉर के बाद। तो ये कब हुई थी, ये है फर्स्ट एंग्लो बुर्मा वॉर के बाद। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो 124 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, फिर है ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये एक तरीके का ऑपरेशन है कि इलीगल ट्रेड जो है क्रैकडाउन करनी थी। तो इलीगल ट्रेड किसकी हो रही थी, मंगूज हेयर की, पेंगोलियन स्किल्स की, राइनो हॉर्स की या फिर एलिफेंट टिथ की। सो 125 की करेक्ट आंसर है ए, मंगूज हेयर की। ओके, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल कोस्टल वेटलैंड, कोरल रीफ, साल्ट पैंस, मार्शेस या फिर एक्वाकल्चर। सो 126 की करेक्ट आंसर है ए, कोरल रीफ। 127 है कि यहाँ पे कौन से फर्स्ट बैटमैन है जो कि यहाँ पे 4 T20 जो 100 हुई थी उसमें हिट की थी, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। सो 127 की करेक्ट आंसर है डी, रोहित शर्मा। ओके, 128 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजन बिहाइंड ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। तो फर्स्ट है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो रिमेन रिलेटिवली है अनडिस्टर्ब्ड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर। सेकंड है कि यहाँ पे मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है ट्रॉपिक्स में, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसकी करेक्ट आंसर है बोथ, दोनों आंसर स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट के वो भी वर्ल्ड में, वो कौन है, चाइना, इंडिया, US या फिर रशिया। ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे आपकी वीट की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना। हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ RCEP, इंडिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका या फिर ऑल ऑफ द अबव।
आरसीईपी की मेंबर की बात करें तो यहाँ पे आपकी बी है कि साउथ कोरिया इसकी मेंबर है, क्योंकि अभी इंडिया इसको साइन नहीं की थी तो इंडिया तो इससे बाहर है और श्रीलंका तो इसमें है ही नहीं। ओके अब आते हैं 131। इनमें से कौन सी फॉलोइंग आपकी डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सो 131 की जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बाहर आती है। सेकेंड 132 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल इज करेक्ट? पहली है कि इस सिस्टम के अंदर जो कंपनी है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती थी फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। सेकेंड है कि जो नवाब थे उनको यहाँ पे डिपेंडेंट किया गया था ब्रिटिश के लिए, वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए। तो 132 की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। 133 की बात करें तो यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सी यहाँ पे ऑफिस ऑफ स्पीकर से रिलेटेड यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है कि स्पीकर जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकेंड है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो यहाँ पे सारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर को इलेक्ट किए जाते हैं, वो भी पार्लियामेंट से, और वो उन्हीं से ही होते हैं। थर्ड है कि जो स्पीकर है उनको यहाँ पे लोकसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो 133 की जो इनकरेक्ट है वो है डी, यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट आपको बतानी है 134। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रुपे कार्ड से यहाँ पे करेक्ट है? ये इंटरनेशनल सर्विस को ऑफर करती है, ये एक्ट एज करती है जैसे कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। इसमें से आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड या फिर बोथ या फिर नन। सो 134 की जो करेक्ट है वो है दोनों, यानी कि ये आपको इंटरनेशनल सर्विस भी ऑफर करती है और ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। नेक्स्ट आते हैं किताबे नौरस, ये आपका कंपोज किया गया था मोहम्मद कली कुताब शाह या फिर यूसुफ अदिल शाह या फिर इब्राहिम अदिल शाह फर्स्ट या फिर सेकंड। सो 135 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इब्राहिम अदिल शाह सेकंड। 136 की बात करते हैं, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो यहाँ पे सैलरी है वो किन के द्वारा यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। सो ऑब्वियस है यहाँ पे आपकी सी होती है गवर्नर, गवर्नर के द्वारा यहाँ पे सैलरी को बताया जाता है। 137 है कि जो कंडीशन है जहाँ पे लेबर पावर इज़ विच इज़ रेडी टू वर्क ऑन द करेंट रेट बट डज़ नॉट गेट वर्क इज़ नोन एज कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये है आपका कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आते हैं 138, द बिग स्प्लैट थ्योरी, ये आपका किसके फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है? सन, अर्थ, मून या फिर मार्स। सो 138 की करेक्ट आंसर इज सी, मून। अब आते हैं की स्टोन स्पेसिस किन को कहा जाता है? एक स्पेसिस जो कि चूज़ किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करती है इन्वायरमेंटल कॉज को, जैसे कि इकोसिस्टम जो है कंजर्वेशन के लिए ज़रूरत है। सेकंड है कि ए स्पेसिस है जो कि उनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सेट ऑफ अदर स्पेसिस भी रहते हैं। थर्ड है कि यहाँ पे स्पेसिस है जो कि एडिशंस और लॉस है वो भी आपका इकोसिस्टम से, जिससे कि मेजर चेंजेस देखने को मिलता है एटलीस्ट दूसरे एटलीस्ट वन अनदर स्पेसिस के अबंडेंस और ऑकरेंस से। डी है कि नन ऑफ द अबव। सो 139 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ओके की स्टोन स्पेसिस। नेक्स्ट है आर्टिलरी गन, धनुष आर्टिलरी गन से रिलेटेड, इसको करेक्ट बतानी है आपको। ये आपकी फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुई है और ये इक्विप किया गया है नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम के साथ। इसमें आपका 6 राउंड मैगजीन्स है जो कि आपका यहाँ पे 3 राउंड पहले होता था लेकिन इसमें 6 राउंड रखा गया है। सो 140 की करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे करेक्ट है बोथ, ओके। अब आते हैं 141, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस बाय द मुस्लिम लीग? 11 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1946 या फिर 10 अगस्त 1947। सो 141 की करेक्ट आंसर है बी, 16 अगस्त 1946। 142 है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 142 की जो नहीं है वो है ए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। 143 में आते हैं, इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि रैयतवारी सिस्टम के लिए आपका करेक्ट है सेटलमेंट? रैयतवारी जो सिस्टम है वो यहाँ पे जॉन सोर के द्वारा ये प्लान किया गया था। इसमें आपका एग्जिस्टेंस है सिस्टम का जो कि पीजेंट ओनरशिप है, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में, वो भी लेट 18th सेंचुरी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपका है वो है नन ऑफ द अबव, ओके। इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 144 की बात करते हैं कि रोल ऑफ स्टेट का इकॉनमी में क्या है? तो ये है एज अ रेगुलेटर जो कि इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, एज अ प्रोड्यूसर और सप्लायर जो कि प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस के लिए, एज अ प्रोड्यूसर और सप्लायर जो कि पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 144 की करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके।
145 की बात करें तो करेक्टली मैच करना है आपको यहाँ पे बिरजिस कादिर बरेली, जनरल बख्त शाह, बख्त खान फैज़ाबाद, या फिर लियाकत अली यह है अलाहाबाद, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 145 की जो करेक्ट आंसर है वो सी, लियाकत अली अलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट है पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स है इंडिया की। सेकंड है जो प्लेटू स्लोप्स है वो डाउनवर्ड है वेस्ट टू ईस्ट में, ये एक्सटेंशन आपको जो है ये आसाम और मेघालय में भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो 146 के करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 147 आते हैं जो कि आपकी सल्फर साइकिल से रिलेटेड। फर्स्ट है कि सल्फर साइकिल जो है ये प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल है। सेकंड है कि सल्फर जो आपका पाया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट में जो कि अर्थ क्रस्ट में होती है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। 147 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 148 में आते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट इज़ करेक्ट। तो पहला है कि ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट जैसा वर्क करती थी, वो भी इंडिया के थ्रू विच इंडिया स्प्रेड द मैसेज ऑफ पैट्रोटिज्म। और सेकंड है कि ये इट लीड्स टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अमंग द पीपल। करेक्ट आपको बतानी है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नन। तो यहाँ पे करेक्ट है आपकी बोथ। ओके, अब आते हैं 149। जो पावर है टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी डेसिक्यूल्ड एरिया हैज़ बिन गिवन टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट के पास है। 150 की बात करें, एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इनमें से कौन सी फॉलोइंग फंक्शंस है जो कि इकोसिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो, या फिर प्रोडक्शन। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ये चारों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये सब जो है आपकी इकोसिस्टम में फंक्शंस होती है। ओके, तो गाइज यहाँ पे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपके कितने आंसर यहाँ पे करेक्ट हुए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाएंगे और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि रिसोर्स पॉइंट है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं जिसकी लेसन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको ज़रूर एक बार रीड थ्रू हो लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्वेश्चंस है आपकी और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी है। ओके, अगर आपको इस तरीके का और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, सेट चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी भी 5 डेज़ है आपके हाथ में, आज आपकी 10th of December हो गई है, तो 15 को पेपर है। आज से अगर मैं काउंट करूँ कल से तो 4 दिन और है। तो अगर आप लोग और भी पेपर चाहते हैं तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को कल भी परसों भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट करी से तो कमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।